हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर, दैट इज़ अ नंबर सिस्टम. इसकी डेफिनेशन के बारे में रीड नहीं करूँगी मैं, ऑलरेडी हम लोग ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है. क्या होता है नंबर सिस्टम? जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, दैट इज़ अ नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होती. कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी ऑक्टल, मतलब इस चीज़ में परफॉर्म करके डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं. बट नंबर सिस्टम हेल्प करता है कंप्यूटर के जो डेटा है उस डेटे को समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम, देयर इज़ अ फोर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. नंबर वन, वी हैव अ डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड अ हेक्साडेसिमल. तो ये चार तरह का नंबर सिस्टम होता है. अब इसका कुछ बेस भी है. राइट अबाउट द बेस इन नंबर सिस्टम. बेस क्या होता है? बेस का मतलब कि ये जो ऑक्टल है, अब ऑक्टल की क्या वैल्यू होगी? ऑक्टल का जो बेस है दैट इज़ आर टू. टू का मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम टू वैल्यूज़ ही ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज़ ज़ीरो एंड वन. ये जो ज़ीरो और वन है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को, बिकॉज कंप्यूटर डोंट नो अबाउट अवर लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एंड ऑल. सो द बेस ऑफ डेसिमल नंबर दैट इज़ अ 10, द बेस ऑफ ऑक्टल दैट इज़ 8, हेक्साडेसिमल दैट इज़ अ 16. अब ये जो 2 है, 10, 8, 16, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम. ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगी, बिकॉज हमारे पास ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो. सो लेट स्टार्ट अबाउट अ बेस बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है दैट इज़ 0 एंड 1. एंड डेसिमल का बेस होता है हमारे पास 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब ये 9 पे फिनिश क्यों हुआ? इसका बेस तो 10 है, 9 पे इसलिए फिनिश हुआ बिकॉज ये स्टार्ट भी 0 से हुआ था, तो 0 भी इसमें काउंटेबल होता है. नेक्स्ट सेम एज अ द बेस ऑफ ऑक्टल दैट इज़ 8, 0 to 7. एंड हेक्साडेसिमल, अब हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तो वैसे ही आ गया, सेम आ गया. अब ये जो 10 है, 10 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 10. जब हम 10 लिखेंगे तो 1 अलग काउंट होगा, 0 अलग काउंट होगा. इसीलिए इसे कैसे बनाया गया है? ए बी सी डी एंड एफ, मीन्स 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. 15 पे फिनिश हुआ बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम अ 0. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ अ मेयरमेंट ऑफ अवर मेमोरी सिस्टम. अब मेमोरी का एक मेयरमेंट सिस्टम भी होता है. सपोज वी हैव अ मेमोरी इन अवर कंप्यूटर सिस्टम. हमारे पास मेमोरी है ही है कंप्यूटर से. जैसे हमारे ब्रेन है, ब्रेन मतलब एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन वर्क करता है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में किसी चीज़ को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए मेमोरी काम करती है. तो मेमोरी की एक कैपेसिटी भी होगी कि उसमें कितना डेटा कैसे स्टोर करना है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. 1 bit इज इक्वल टू अ बाइनरी डिजिट. 1 bit मीन्स टू से दैट सपोज आई वॉन्ट टू राइट द नेम दैट इज़ NEHA, नेहा. देन द एन, ये जो एन है दिस इज़ अ सिंगल करेक्टर. सिंगल करेक्टर मीन्स टू से दैट दिस इज़ अ 1 bit. एंड नेक्स्ट वी हैव अ 8 bit. नाउ 8 bit मीन्स टू से दैट सपोज आई वॉन्ट टू राइट द नेम नेहा. नेहा, 2 times नेहा मैंने लिखना है नेम को, तो ये 8 करेक्टर हो गया. सो दीज आर द 8 bit. एंड 8 bit इज इक्वल टू अ 1 byte. जब 8 bit होती है, 8 bit को क्या बोलते हैं? 1 byte. नेक्स्ट वी हैव अ 1024 bytes. नाउ 1024 byte, जब 1 byte के 1 byte में कितना डेटा होता है हमारे पास? 8 bit जितना डेटा होता है. एंड 1024 bytes, 1024 byte मीन्स टू से दैट 1024 into 8 bit, इतना डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. 1024 bytes आ गया. 1024 byte इज इक्वल टू अ 1 kilobyte, दैट इज़ अ KB. एंड 1024 kilobyte इज इक्वल टू अ 1 megabyte, दैट इज़ अ MB. 1024 megabyte इज इक्वल टू अ 1 gigabyte. 1024 gigabyte इज इक्वल टू अ 1 terabyte.
जब 1024 गीगाबाइट कलेक्ट होता है तो वो कितना बन जाता है, 1 टेरा बाइट। जो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी है राइट नाउ वो टेरा बाइट में ही चल रही है, बट इन फ्यूचर जैसे डाटा बहुत ज़्यादा सेव होता है तो उस वजह से ये बढ़ भी सकती है। तो कितना हो सकता है ये, 1024 टेरा बाइट, दैट इज़ इक्वल टू अ 1 पेटा बाइट, दैट इज़ अ पीबी। सेम एज नेक्स्ट वी हैव अ 1024 पीबी इज इक्वल टू अ 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू अ 1 जेटाबाइट। अब इससे आगे भी है, मतलब इसको भी हम 1024 करते जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बट इतना सफिशेंट है हमारे लिए बिकॉज अभी तक हम टेरा बाइट पर ही पहुँचे हैं। हमारे पास जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो टेरा बाइट में ही चल रही है। लाइक अवर हार्ड डिस्क, वी कैन यूज़ अवर हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर सिस्टम 2 TB, 4 TB, 5 TB, 8 TB, मतलब इतने TBs में ही अभी हम चल रहे हैं, अभी हम पेटाबाइट पे भी नहीं है बिकॉज पेटाबाइट में डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में एक मेमोरी का हमारा सिस्टम, मतलब ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ये जो बाइनरी ऑक्टल डेसिमल है, अब इसमें हम अपनी वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमारी जो वैल्यूज़ है जैसे डेसिमल टू बाइनरी अगर हमने कन्वर्ट करना है देन व्हाट शुड आई डू, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।